घटना सब हम सो रहे थे सब घर पर उसको मुंह बंद कर लेगा ही क्या क्या जहरीला सामान सोंगा कर लेगा सब नॉलेज नहीं कौन ले गया साहब जी गाँव वाले क्या नाम जानते हैं उनको जितेंद्र विक्रम और धर्मेंद्र एक करते था जितेंद्र ये कब की घटना है ये सर 20 तारीख 20 तारीख तो ये रिपोर्ट लिखवाई आपने जी सर आपकी बच्ची कब मिली मेरी बच्ची साहब वो 3 दिन बाद मिली 3 दिन बाद मिली होशंगाबाद जिले के पिपरिया थाना अंतर्गत ग्राम पुनोर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। विगत दिनों पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया था जिसमें एक दलित विवाहित महिला के साथ ग्राम और आसपास के कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म अपहरण सहित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस घटना में पीड़िता को थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर भोपाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जाना पड़ा था जिसके बाद थाने में पीड़िता की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत के आधार पर राजेंद्र धर्मेंद्र वीरेंद्र और विक्रम किरार के साथ सोनू राजपाल और नितपाल राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 7 आरोपियों में से 3 आरोपी फरियादी के गांव के ही रहने वाले हैं, वहीं 4 अन्य आरोपी रायसेन जिले के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी सोमवार को की जा चुकी थी और शेष आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने रायसेन जिले के एक पोल्ट्री फार्म से की है। वहीं पूरे मामले में जाँच के लिए पुलिस ने महिला अधिकारी DSP सौम्या अग्रवाल को जाँच अधिकारी बनाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, ये दुराचार वाले प्रकरण में अभी किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो गई और कहां पहुंचा है मामला तब किस? देखिए, इसमें 4 ज्ञात और 3 अज्ञात आरोपी कल तक, इसमें कल से आज तक के बीच में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 ज्ञात आरोपी भी हमारे पास और 3 भी जो अज्ञात थे वो ज्ञात हो चुके हैं। इसमें जो आरोपियों के नाम है राजेंद्र किरार, धर्मेंद्र किरार, वीरेंद्र किरार, विक्रम किरार, ये हमारे पास कल आ गए। तो जो आइडेंटिफाई नहीं हुए थे उसमें 3 सोनू राजपूत, राजपाल राजपूत और नित्यू राजपूत, इनको पुलिस ने कल दबिश दे करके गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये कहाँ से अज्ञात आरोपी कहाँ से गिरफ्तार? ये रायसेन में सिलवानी के पास से गिरफ्तार हुए हैं, पोल्ट्री फार्म के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। उसमें 2 लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते थे, तो पुलिस ने लगातार दबिश दी और आज सुबह सुबह रात्रि में दबिश दे करके इन्होंने अंतिम जो हमारा आरोपी था उसको गिरफ्तार किया है। इनकी मेडिकल की प्रक्रिया जारी है, बाकी विधिक प्रक्रिया के लिए पुलिस तैयारी कर रही है।